हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको जेएमआई यानी कि जामिया मिया इस्लामिया का एमकॉम एंट्रेंस देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उनका ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, एंड वो लोग भैया कुछ भी एमकॉम एंट्रेंस के नाम से पढ़ते जाते हैं। तो आज मैं आपका वही जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर डाउट है या फिर आपका जो भी कह रहे हो उसको मैं ठीक करने जा रहा हूँ, यानी कि आपको मैं ऑथेंटिक सिलेबस बताने जा रहा हूँ जेएमआई का, जामिया मिया इस्लामिया का एमकॉम एंट्रेंस का। दोस्तों, यहाँ पे सीट भय बहुत कम है, बट यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड यहाँ पे अगर आपका एमकॉम एंट्रेंस होता है तो आपका प्लेसमेंट 100% हो जाता है अच्छे कंपनीज के अंदर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एमकॉम करके नेट जीआरएफ करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, बट यहाँ पे आपको प्लेसमेंट भी मिलता है जीएमआई में, ठीक है। तो बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। एंड हाँ, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है। अब दोस्तों, जेएमआई जामिया मिया इस्लामिया जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, यहाँ के एमकॉम का ऑफिसर सिलेबस। अब दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपके एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है, 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। एंड आपको भैया 90 मिनट का समय मिलता है, 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलता है पेपर को करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, सबसे पहले आपका यहाँ पे ध्यान दो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया क्या सेवेंथ का, जिसके अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो गया, कंपनी से भी क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, डिपार्टमेंटल हो गया, सब कुछ इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कन्वोइंग, हनी फ्यूल, FWTI, जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, मैनेजमेंट के टूरिस्ट हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं अच्छा खासा। एटन मायो यानी कि एडवांस लेवल का, क्या स्वेट लेवल का समझ के मत आना, ठीक है, एडवांस आता है बहुत, ठीक है। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन आपका अच्छा खासा पूरा सब्जेक्ट है, क्या स्वेट में एक चैप्टर का पार्ट है बट बिजनेस कम्युनिकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो उससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बिजनेस एथिक्स आपका एकदम नया सब्जेक्ट है जो कि किसी अदर यूनिवर्सिटी में नहीं आता है, केवल जामिया एंट्रेंस एग्जाम में बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैनेजरियल बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, आपको अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा। डिफरेंट टाइप की क्वीज होती है उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों, आपका आ गया फाइनेंशियल कॉस्ट, कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कि कंपनी का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कि भैया अमाइगमेशन, मर्जर, लिक्विडेशन, ठीक है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों, आपका कंपनी लॉ हो गया, कंपनी लॉ तो भैया जीसीटी पीजी में भी हर जगह आता है, कंपनी लॉ में कंपनी की मीटिंग हो गई, डायरेक्टर्स हो गया, इन सबसे अच्छे खासे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल हो गया। एंड भैया केस स्टडी पूछता है कि कौन से केस स्टडी में क्या बताया गया था, ठीक है, मैच दी फॉलोइंग। फिर दोस्तों, आपका आता है कंपनी लॉ हो गया, बिजनेस हो गया, इंडिविजुअल टैक्सेशन, जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑडिटिंग दोस्तों अच्छा खासा क्वेश्चन आता है आपसे, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि आपका सीयूटी पीजी में भी है उससे क्वेश्चन आते हैं, मार्केटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, मार्केटिंग के कंसेप्ट हो गए, फिर प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, एडवर्टीजमेंट के तरीके कितने होते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, ठीक है, देखा जाए तो ये बिजनेस मैनेजमेंट का ही एक, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट इसका एक पार्ट है, HRM बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आप इसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी कह सकते हो, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस जिसको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानते हो, किसी अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में ये नहीं आता है, केवल जामिया में आता है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। और दोस्तों, इसमें कैपिटल बजटिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हो गए, तो अच्छे खासे चैप्टर्स भी हैं, क्वेश्चन भी हैं, फॉर्मूला भी है, ठीक है। फिर दोस्तों, आपका मनी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मनी से क्वेश्चन आपके आएंगे अच्छा खासा, मनी भैया क्या सिस्टम है, मनी मनी कितने टाइप की होती है, पेपर स्टैंडर्ड, मनी स्टैंडर्ड, सब कुछ आपका आ सकता है। फिर आपका दोस्तों यहाँ पे आता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के सब मार्केट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ठीक है, सेबी हो गया, स्टॉक चेंज हो गया। फिर दोस्तों, आपका आता है यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स क्या होता है आपका वो भी आता है, ठीक है। फिर दोस्तों, फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, आपका वाइट ट्रेड ऑफ इंडिया कह लो एंड इंटरनेशनल बिजनेस की थ्रू हो गई, एग्जाम्पल कंपैरेटिव थ्रू, कॉस्ट थ्रू, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड फ्यू क्वेश्चन इन जनरल इंग्लिश एंड जनरल बिजनेस, कुछ क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश में पूछ सकता है, 2-3 क्वेश्चन बस, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉमर्स से ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका जामिया का सिलेबस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप जेएमआई एमकॉम की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग आपको प्रोवाइड करें जामिया एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स बहुत ही कम पैसे के अंदर, आप अपने घर बैठे बैठे जामिया मिया इस्लामिया के एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हो। जहां पे अगर आपको फिजिकल बुक चाहिए तो हम लोग आपके लिए घर पे फिजिकल बुक को भी डिलीवर करेंगे, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज बस पे करना होगा, ठीक है। कोर्स के प्राइस में हम लोग की फिजिकल बुक इंक्लूड नहीं है,
ठीक है, तो आपको पीडीएफ नोट आपको मिलेगा। अगर आपको बुक भी चाहिए फिजिकल फॉर्म में जामिया के कोर्स में, तो आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी आपको फिजिकल बुक पाने के लिए। एंड हम लोग के कोर्स के अंदर आप अपने घर बैठे बैठे जेएमआई एमकॉम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, जहाँ पे वीडियो लेक्चर है, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको क्या बोलते हैं पीवाईक्यूज, एमसीक्यू प्रैक्टिस, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड दोस्तों आपको मैं यकीन दिलाऊं कि हम लोग पिछले 5 से 6 सालों से लगातार एमकॉम एंट्रेंस के अंदर बेहतरीन सिलेक्शन भी दे रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, एयू हो गया, जीएमआई हो गया, एएमयू हो गया, एंड बीबीएयू हो गया, एंड अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस की चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, एंड हम लोग की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।